outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय तेल की सस्ती कीमतें काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार की आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 की तुलना में विदेशी मुद्रा में 25 अरब डॉलर से अधिक की बचत की, क्योंकि भारत ने लगभग समान मात्रा में कच्चा तेल आयात किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में कैसे सफल रहा? सरकार ने तेल पर इतनी बड़ी बचत कैसे की, और क्या भारत अपने निरंतर विकास को बनाए रखते हुए भविष्य में तेल पर निर्भरता कम कर सकता है? आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। भारत ने साल 2023-24 में 132.40 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया, जबकि साल 2022-23 में 157.50 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। साल 2022-24 में भारत ने 232.5 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो कि 2022-23 के 232.7 मिलियन टन से 0.08% कम है। ऐसे में भारत का भारतीय टोकरी कहा जाने वाला कच्चे तेल आयात की औसत लगभग 2023-24 में 82.58 डॉलर प्रति बैरल थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष 93.15 डॉलर प्रति बैरल से 10.57 डॉलर प्रति बैरल कम है। बाकी ये भी एक सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उपभोक्ताओं में से एक है। वैसे भारत लंबे समय से कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति और निचली अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब बताते हैं कि कैसे रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति से भारत को लाभ हुआ है। रूस ने भारत को अन्य देशों की तुलना में छूट पर कच्चा तेल बेचा है। इससे भारत को अपने तेल आयात बिल पर महत्वपूर्ण बचत करने में मदद मिली है। साथ ही रूसी कच्चे तेल तक पहुंचने भारत को अन्य आपूर्तिकर्ताओं से बेहतर सौदेबाजी की शक्ति दी है। इससे भारत की तेल पर और भी अधिक बचत करने में मदद मिली है। वहीं रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में मदद की है। भारत अब कच्चे तेल के लिए मध्य पूर्व पर कम निर्भर है। ऐसे में कैसे निचली अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से भारत को लाभ हुआ है? निचली अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों ने भारत के तेल आयात बिल को कम कर दिया है। इससे भारत को विदेशी मुद्रा में महत्वपूर्ण बचत करने में मदद मिली है। साथ ही इन कीमतों ने भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में मदद की है। भारत एक तेल आयात करने वाला देश है और तेल की कीमतों में गिरावट से अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाते हुए और नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश करते हुए भविष्य में तेल पर निर्भरता कम कर सकता है? भारत की तेल पर निर्भरता कम करने के कई तरीके हैं, जैसे भारत ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करके अपनी ऊर्जा खपत को कम कर सकता है। इससे तेल की मांग कम करने में मदद मिल सकती है। जिसके बाद भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश कर सकता है। इससे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। बाकी भारत ने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और अपने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा है। इससे भारत को अपने तेल आयात बिल पर महत्वपूर्ण बचत करने में मदद मिली है। वहीं भारत ने ईरान से तेल आयात का विस्तार किया है। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक है और भारत को रियायती दरों पर तेल की आपूर्ति कर सकता है, क्योंकि भारत के रणनीतिक तौर पर पेट्रोलियम भंडार बनाए हैं और ये भंडार आपात स्थिति में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ये कुछ कदम हैं जो भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए हैं। इन कदमों से भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक विकास हासिल करने के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने के लिए इन कदमों को उठाने की ज़रूरत है। ऐसा करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अधिक विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में भारत हाइड्रोजन ईंधन के विकास में निवेश कर रहा है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जिसका उपयोग परिवहन और उद्योग में किया जा सकता है। ये तेल पर निर्भरता कम करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन तेल पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। फिलहाल भारत ने साल 2030 तक अपनी बिजली क्षमता को 50% नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य तेल पर निर्भरता कम करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस तरह हमने जाना कि भारत ने रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति और निचली अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों के कारण विदेशी मुद्रा में 25 अरब डॉलर से अधिक की बचत की है। हालांकि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने के लिए रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे एयर न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।